सालों साल पुराना ये मंदिर जहां लोग नक्सली दहशत से छुपते छुपाते पूजा कर रहे थे, आज मंदिर के बाहर खुशी का माहौल है। हाल ही में सीआरपीएफ व सुकुमा पुलिस द्वारा केरल पेंदा गांव से लगे लखापाल में नया कैंप खोला है। सुरक्षा बलों के कैंप खोलने के बाद जवान ग्रामीणों से उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने सीआरपीएफ जवानों को मंदिर के विषय में बताया और मंदिर को फिर से खोलने का आग्रह किया, जिसके बाद सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के जवानों ने मंदिर परिसर में ही ग्रामीणों के लिए मेडिकल कैंप लगाया और इसी दौरान साफ सफाई भी करवाई गई। मंदिर कब और किसने बनाया ये जानकारी तो ग्रामीण नहीं दे पाए, पर साल 2003 के आसपास नक्सलियों ने मंदिर को बंद करने का फरमान सुना दिया था, जिसके बाद अब 21 साल बाद फिर से मंदिर के अंदर बेखौफ पूजा हुई है। मैंने दशकों बाद भगवान रामचंद्र जी का मंदिर सुकमा के केरला पेद्दा ऐसा स्थान है वहां पर जो बंद पड़ा था, नक्सलियों ने बंद करवा दिया था सुरक्षा कैंप के पहुंचने के बाद, अब वो खुला है। ग्रामीण जन उत्साहित है, मैंने वीडियो देखा है, उसमें वो नृत्य कर रहे हैं, स्वयं साफ सफाई कर रहे हैं और अंदर भगवान की मूर्ति भी बहुत ही खूब सुंदर है। भगवान राम है, माता सीता है, लक्ष्मण जी हैं। वो तार्किक एक विषय है कि अयोध्या जी से जब भगवान राम निकले थे तो उनके साथ कोई सेना नहीं गई थी और माता सीता के अपहरण हो जाने के बाद यहीं के लोग तो थे जो लोग उनकी सेना के रूप में आगे बढ़े थे और इसलिए उनके मन में भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा प्रारंभ से है और अब भी है। वो बहुत स्पष्ट दिख रहा है, किसी दबाव में, किसी बहकावे में जो पृथकता आई है वो एक अलग विषय है, लेकिन मूल भाव जो है बस्तर का वो यही है, दशहरा उसको स्पष्ट करता है। कैंप खुलने के बाद जो ग्रामीण है स्वतः सुरक्षा बलों को अपनी समस्याएं बता रहे, समस्या उन्होंने ये बताया कि मंदिर बहुत दिन से बंद, इसको खोला जाए। कैंप तो बहुत स्पष्टता के साथ मैं आपसे कहूं, कोई सुरक्षा बल के कैंप नहीं है, कोई सुरक्षा के कैंप नहीं है, ये विकास के कैंप है। बस्तर में गांव गांव तक विकास पहुंचे, विष्णुदेव सरकार की प्रतिबद्धता है और गांव में बिजली, सड़क, पानी, मोबाइल टावर, आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, ये सब खुलना चाहिए। ये मौलिक आवश्यकताएं हैं आज के समय की और उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में भी इस मार्ग पर जो भी बाधक होंगे उनसे चर्चा भी की जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर शक्ति भी बरती जाएगी। ये अयोध्या में मंदिर बनने के बाद और रामनवमी से पहले जिस तरीके से हमने देखा अयोध्या मंदिर बना उसके बाद हर्षोल्लास प्रदेश भर में, उसी हर्षोल्लास आज उस गांव में नजर आ रहे हैं रामनवमी से पहले। हाँ, अयोध्या में भी यही परिस्थितियां थी, लोग बाहर से पूजा पाठ किया करते थे, भगवान एक टेंट में बाहर रहा करते थे और यहाँ पर भी आप देखेंगे केरला पेद्दा गांव में भी, तो यहाँ पर भी मंदिर के बाहर से ही लोग पूजा करते थे, मंदिर को नक्सलियों ने बंद करा रखा था दशकों से और बाहर से ही पूजा करते थे। आज पुनः मंदिर खुला है, गांव वालों को, पूरे स्थानीय समाज को मंदिर में जाने की अनुमति मिली है। केरल पेंदा गांव में भगवान राम के इस मंदिर में हनुमान की छवि मंदिर के शिखर पर बनाई गई है। मंदिर देखने में काफी पुराना नजर आ रहा है और मंदिर के अंदर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी संगमरमर से बनी प्रतिमा सुंदर दिखाई पड़ रही है। पंजाब केसरी के लिए सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।